पीएम के बूथ वाले स्कूल के करीबी हमारे एक और सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, क्या तस्वीरें आप वहां से दिखा सकते हैं? और दूसरे चरण का मतदान है आज, और हमने देखा पहले चरण के वोटिंग के दौरान जो उम्मीद थी कि मतदाता भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, वैसा हुआ नहीं। उम्मीदों पर मतदाता फर्स्ट फेज में खरे उतरे नहीं। क्या सेकेंड फेज का माहौल रंग नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब वोट करने के लिए आएंगे तो 500 मीटर की दूरी पर, ठीक इसी जगह से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी बदलेंगे और गाड़ी बदलकर ओपन जीप में निकलेंगे, और जिस जगह पे निकलेंगे वहां पे देखिए ढोल नगाड़े बहुत शानदार तरीके से उनके स्वागत की तैयारी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में यही से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने कैवलकेड को छोड़ेंगे और उस कैवलकेड को छोड़ के बाकायदा वो निकलेंगे और गाड़ियों के ओपन जीप में यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पोलिंग बूथ है वहाँ तक जाएंगे। इसके दोनों ओर देखिए बैरिकेडिंग की हुई है जिसमें कि लोग खड़े मिलेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री का 8:30 का कार्यक्रम था वो थोड़ा लेट हो गया है, वो 9:00 हो गया है। लोगों को भी इस बात की जानकारी हुई है, शायद यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सब कोई चाक चौबंद। और इन सब के बीच जो सबसे शानदार तस्वीर है वो ये तस्वीर है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे कई सारे लोग हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करता हूँ, ये जानने की कोशिश करता हूँ कितना उत्साह है पीएम के आने का आप लोगों को। बहुत उत्साह है, बढ़िया, एकदम बढ़िया उत्साह है, एकदम बढ़िया उत्साह है। एक और शेर आ रहा है, गुजरात का शेर आ रहा है, उनका स्वागत ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, पूरा ढोल नगाड़े वगैरह सब बड़ा बढ़िया स्वागत करेगा उसका, वो तो शेर है शेर। पीएम आएंगे तो क्या क्या करेंगे आप लोग, क्या सोच के रखा है? हमने सोचा है पीएम को एनआरआई लोग को इधर आके, कहाँ से आए आप? न्यूयॉर्क से। आप न्यूयॉर्क से आए? अच्छा, वोटिंग करने के लिए या फिर देखने के लिए? मोदी को देखने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? इधर मेरे का बिजनेस है दवाई का, और वो तो गुजरात का से, उनके जैसा तो कोई नेता ही नहीं मिलेगा। हम हर साल इधर आते हैं लेकिन आज हमको चांस मिला है नरेंद्र मोदी को देखने का। प्रधानमंत्री को देखने के लिए विदेशों से लोग आए हुए हैं, न्यूयॉर्क से लोग आए हैं, और ये लोग न्यूयॉर्क से और वोट डालने के लिए तो पहुंचे ही हैं, कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में वहां क्रेज आप देख रहे हैं।